थाना दरगाह शरीफ में एक ही समुदाय के लड़कों के दो गुटों में आपस में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक लड़का गोली लगने से घायल हुआ है। घायल लड़के के पिता मोहम्मद लईक की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 307/23, धारा 147, 148, 149, 307 और 120 भी IPC का दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से दो अदद तमंचा 315 बोर और 5 कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। अतिशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। दोनों पक्षों का आपराधिक इतिहास खंगालने पर दोनों पक्षों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है और अतिशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने 11 लोगों के विरुद्ध तहरीर दिया था।